प्यारे साथियों, आज लाखा बंजारा फूल बाग में अपने पतियों को इश्ता करके और फूल बाग में लेट जाता है और दासी की बातें सुने। अब पतियां तो आराम से बैठी हैं, नेका तेरे हराम बोल ले, बोलिए हाँ जी तो हाँ जी। ओ मुझे बागों की तलाशी लेनी चाहिए, क्यों रानी साहब ने किया था, अगर बाग में डोल कराइए और कोई नुकसान बिगार बाग के अंदर देख के आइए, अब मैं बाग की तलाशी लेती हूँ। मुझे ये बाग के अंदर क्या दिखाई देता है, कोई मनुष्य मालूम पड़ता है मुझे, आवाज लगाकर इसे पुकारती हूं, ए परदेसी, ए परदेसी। ये तो मुझे लग रहा है सपना देख रहा है, भरक रहा है, इसके पास जाकर देखती हूं पहले भी। ये तो लक्कड़ सा मालूम पड़ रहा है, कट गया मुझे लग रहा है ठंड की वजह से। ये तो कोई सपना देख रहा है और मुझे लग रहा है बरक रहा है। तेरी अम्मा पुत्र बाप जाते हैं तेरी अम्मा या तहसील में। ए परदेसी तुझे बहुत देर हो गया, ये ड्रामाबाजी करते ऐसे उठेगा नहीं। ए परदेसी आंख लग गई क्या, आग नहीं लगी तुम्हें, ओंग आ गया, आग नहीं लगी क्या, आग लग गई, आग लग गई, अरे करो इधर आइए, चुरैलिया हाँ, अरे मैं ना भूत ना पलीत, मैं एक मान सुन, हाँ हाँ, हे इधर आइए, अरे आपके लिए कोई मैं भूत पलित नजर आ रही हूँ, कोई मैं भूत पलित मानस नहीं हूं, हाँ अरे मैं आपके लिए पता होना चाहिए मैं इस बात की मालकिन हूं। ए आपकी मुझे लगती है कि बुद्धि खराब हो गई, अरे ये मेरा ही बाग है, हाँ ऊपर आइए इधर आइए पहले, अरे मेरे नहीं, स्टेज के पास आइए, हाँ इधर आकर बात करिए मुझसे, हाँ हे क्या हाथ बोला करो, तू कौन है, कहां से आई है, कहां जा रही है, कहां रुक है, पहले आप बोलने की तमीज सीखिए, आपके लिए ये पता होना चाहिए, अब बोलिए,
अब नौकरिया बोलने का तेजी भी होना चाहिए। तेरे तेरे डर के मारे सारी पैसा पतरी पड़ गई। पैसा कभी गाड़ी होती है पतरी पड़ गई है जे मोहना मालूम लेकर न जरूर है भाई ताजे कह रहा भैया। आप ये बताइए आपने इस बाग में आने की इजाजत आपके लिए किसने दी थी? कोई बात है कोई परेशानी? अरे परेशानी और बातें तभी तो आपसे मैं पूछ रही हूँ। आपके लिए पता होना चाहिए ये बाग है जनाना, इसमें कोई नहीं आता है मर्दाना। ये जनाना है? हाँ बाग और क्या तेरी बच्चों यारी जी जनानों का बते भाव। अरे आपके लिए पता नहीं है ये तो खीर से ही जनाना बाग है। तो जो जनानो बाग है जामे मर्दाना नहीं घुसता है? बिल्कुल नहीं यारी। हाँ जामे नीबरा ठाड़ हुआ जी। तो ये वृक्ष है का ये जनाना है? यानी ये वृक्ष है? हाँ यानी जेंट्स की बात है? जेंट्स की ना भाई। और तो जामे मर्दाना घुसा ना है? बिल्कुल नहीं। और आप आए थे सामने हुसैन रोड लग रहा है उस पर पड़ी नहीं आपने आते समय? तेरो नाचो तेरो यारी जामे साइन बोर्ड ले ली करो अब। ए साइन बोर्ड? हाँ साइन बोर्ड ले ली करो। तो जब हम पहले आए करते तब तेरी में कछु ना मिलतो। ए क्या यानी तेरी जब फूल बाग में हमारा ना साइन बोर्ड मिलो ना कोई कछु मिलो चल चना ना हो जी। आप ये बताइए हाँ आप यहाँ से निकल जाइए चलो। बातें बोल रही निकाल। अरे निकालो नहीं इनसे निकल जाइए अभी। कौन आप? कुल मिला के जिया का मैं जहाज जाऊंगा ना है। अरे आपको जाना पड़ेगा। जब मैं आ तो तब जाई फूल बाग में बदियों को रोकता हूँ जाई हरामा करता हूँ। अभी तेरा घेंटरा सा दबा दूंगी मेरो। और क्या तेने एक आधो दबा हुआ? अरे हमारे ही बाग में है और हमारी इजाजत है स्टेप हम चाहे तुम्हारा वो कर सकते हैं। कोई दबाएगा होए वो तीन दबाव का हो ना होएगा। अरे मान जाओ तू मेरे कराई का सुनो तुम्हारा क्या करूंगी। अरे मेरी कैसे आयो अरे रे मेरी कैसे आयो बागे तुम्हारी बिगाड़ू। अरे वही कहा है अरे रे तेरी जेल कराई दी एक भूल के ताने बार
दस रुपए बनवारी और ये दस रुपए और ये दस रुपए बीरपाल और ये दस रुपए छोटे लाल। तीनों प्रेमी बैठे सभा में, अरे तीसा नोट से दिया सम्मान, अरे गजबर सीना, अरे अलवेल को ए मेरे भैया मोटा तो है गजब की उन्हें हारे भैया। हाँ जो दावत के लिए रह गए हो भैया वो दावत खाए हैं, हमारे चौधरी साहब का कहना है दावत के लिए चले जाए, प्रोग्राम तो देखते ही रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार बताओ तुम्हारो कुछ बिगाड़ो जना आपकी बुद्धि खराब हो रही है मुझे लग रहा है भैया, आप तो कुछ पूछे मत। तो मैंने कुछ बिगाड़ो ना, अगर तू आप जल्दी चले आओ। और ये बाबूजी जगदीश गांव मढ़ावली के रहने वाले, ये 20 प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी तो तुम मेरा सब कुछ करते ही और का तो दासी कहने लगी, अरे री तो कट बहे तुम्हें तो भर बहे तुम्हें तो चिर बहे तुम्हें। एक बात बताए, हाँ तू दासी है? ए मैं नौकरानी हूँ। नौकर के छोड़ आई दसमों को जा हनुआ खाएगी? ए, नहीं मैं रानी साहब की टेल करने वाली हूँ, उधर की उधर करने वाली चुगलक हो रू। हाँ अरे तेरी मर गए हम तो जिजाने को हमें खाए जाएगी तो तोते काट ले पंगो यार मेरे। अच्छा ए सोने आठ आठ ना पोइयो जाके हमारे बच्चे ना कोई देख रही है का है? आगे ते हट जाना बदनवार तो ही पे परे हो भिन्ना है कि बिहार। अच्छा आप नहीं जाओगे? आते यार रुतबा पे तो कौन हुए काट हुए कहाँ पर हुए बच्चा जानते जा रही है ना जा रही है। ठीक है मैं भी जा आप मुझे जानते हो? मैं ना जानते तेरा कोई संगबारू है ना? कौन हुए? मेरी बहन है बड़ी। एक काम कर तेरी बंडी हो चाहे चोदी हो एक कहा बहन तेरी गलत सलत बोला है। ए अरे मुझसे बड़ी है तो से बड़ी है तो कोई बात ना अपने भैंसो कटरा सब बुला ला। ठीक है जा। अरे बहन अरे दासी हाँ क्या बात है आज इतनी घबराती हुई नजर क्यों आ रही है? अरे बहन हाँ वो बाग में एक लंजारा आ गया है। ए, मेरी सौत बंजारा होगा वो? हाँ बहन बंजारा। तो तूने वो बाग से बाहर नहीं किया? अरे बहन हाँ बाग से निकालने की क्या बात की, मैंने किया, मेरी बहन का बाग है ये मुझसे बड़ी है तो आपके लिए तो भैंस कटिया बता रहा था। तूने मेरा नाम नहीं लिया? लिया मैंने तेरा नाम तो तुम्हें भैंस कटिया बता रहा। अच्छा तूने कहा मेरी बहन मारू का बगीचा है हाँ। तो वो मुझे भैंस कटिया बता रहा? हाँ और कह रहा भेज देना अपनी भैंस कटिया के लिए। मुझे बता सकती है? मैं चलो है शैतान मगर दूर से ही बात करना उससे। चलो ठीक है कड़ा तोप लाए। ठीक है ऐसे मैं स्वयं बात करती हूँ आप बैठिए। ए परदेसी कहिए देसी। मैं देसी कैसे हुई और मैं परदेसी कैसे हुआ? आप परदेश के रहने वाले? बातों के चलो ठीक है मैं परदेसी हो गया परदेश का रहने वाला हाँ और आप देसी इस देश की रहने वाली। आगे आपसे आगे पहुँचिए एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछिए पूछिए।
अरे परदेसी अरे रहने तो मोवाले रुपए बीरपाल और 50 रुपए राजपाल, ये नौता बख्शीत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 50 रुपए कछवा बगढ़ निवासी सद्दीक हुसैन, ये 50 रुपए का पुरस्कार करते हैं, खास आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहां के रहने वाले हो, क्या आपका नाम है? मैं जेबा सही है, ऐसे पहुंच, ऐसे पहुंच। ए पूछ, हाँ पूछ, ऐसे पूछ, बोलिए। शरण बरको मेरे रहने वाले, अरे मेरो लाखल लटक है ना, बदिया खोल पपाल कलत भैया, रुक गो फूल बाग के बीच नरवर में। किसी को जानते हैं आप? अगर नरवर में रहता हुआ तो थोड़ा बहुत जानता भी हुआ। इस समय राज किसका चल रहा है नरवर में? राज, राज जी जी जी, राज चल रहा राजा नल नरेश का। राजा नल नरेश का जी जी, उनके कोई पुत्र भी है? ना पुत्र पुत्र तो ना, लड़का है उनके। अच्छा कोई लड़का है तो हाँ। उनका शुभ नाम क्या है? उनको नाम है ढोल कुमार। ढोल कुमार जी हाँ। आपके रिश्ते में कौन लगते हैं वो? सबरी डिलीट बताऊं? जी जी जी। अच्छा देखो, काम पछाई ना पड़ी मरहिया, ढोल कुमार भतीजो राजा नल है भैया। हाय दैया, जबते जबते तो आफत पे आफत और राग पर रह गए, मर भाई दिन भी।